पलामू और लातेहार जिला की ताजा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को दबाएं। टुकबेरा युवा जागृति संघ बाना होटल के तत्वावधान में पदाधिकारियों के द्वारा दुर्गा पूजा समाप्त होने के बाद भी लगातार क्षेत्र में समस्या व धर्म के प्रति आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने के लिए जज्बा जारी है और पूरा करने के लिए तन मन धन से तैयार है। दुर्गा पूजा में युवा जागृति संघ ने क्षेत्र में भव्य पंडाल बनाकर अलग पहचान तो बनाई थी, इसके साथ आज भी धर्म के प्रति एकता के साथ जुनून भरी काम करने के लिए भी तैयार है। कुछ दिन पहले गया डाण के समय टुकबेरा में एक चबूतरे का निर्माण किया और एक माह भी नहीं बीती है अब एक वर्ष से अधूरे पड़े श्री विश्वकर्मा मंदिर निर्माण एवं दुर्गा मंदिर का सुंदरीकरण कार्य करने का फैसला लिया गया, जिसका शुरुआत नव निर्मित विश्वकर्मा मंदिर निर्माण को लेकर मंगलवार को शुरुआत किया गया। युवा जागृति संघ के पदाधिकारियों ने बैनर तले सामाजिक कार्य करने के लिए निर्णय लिया है। यह शुभ कार्य हेतु जमीन दाता नंद जी विश्वकर्मा ने अपनी भूमि श्री विश्वकर्मा मंदिर निर्माण के लिए दान दिया है। यह कार्य पूरा होते ही बाना होटल के दुर्गा मंदिर का भी सुंदरीकरण कार्य किया जाएगा। संघ के पदाधिकारी ने बताया कि हर सामाजिक कार्य में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेगी। उक्त मौके पर युवा जागृति संघ के कई पदाधिकारी व सदस्यगण उपस्थित थे। गढ़वा पलामू और लातेहार जिला की ताजा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को दबाएं।